ओम शांति। 31 जनवरी साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत, यह वक्त जा रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरी पॉइंट, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल, हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, फरिश्ता व अव्यक्त जीवन की विशेषता है इच्छा मात्रम अविद्या। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, जब ब्राह्मण जीवन तो फरिश्ता जीवन बन जाती अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते, तब किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंध सकते। ओम शांति।